ये सुरजीत, क्लास में बताया था मैंने 17वां नंबर, ट्राइफेनिलफोस्फीन C6H5OH3, लाइक एज PR3, लाइक एज PR3, ट्राइफेनिलफोस्फीन। एक बार और अंजलि, ठीक है देख लो एक बार और, 17 नंबर, 17 लिखते हैं। RS6H5 का होल थ्राइज पी और Cl भी लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड में लिखा रखा है आपको PR3, ट्राइफेनिल फोस्फीन है। मैंने आपको लिखा रखा है ट्राई एल्किल फोस्फीन PR3, आर के रूप में CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उदासीन है तो क्या मानेंगे, एक्स इस पर -1, तो इस पर क्या जाएगा +1, एक्स प्लस 0 × 1 इक्वल टू +1, एक्स बराबर कितनी आ गई +1, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का, लिगेंड का नाम क्या है, ट्राई फेनिल, इसको फेनिल बोलते हैं, C6H5O को तीन है इसलिए ट्राई फेनिल फॉस्फीन हो गया। लिगेंड कौन सा है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, रोडियम, धनावेशित स्पीशीज है इसलिए कुछ नहीं लगा, रोडियम आया पूरा, एट नहीं लगाएंगे। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट और लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड आयन। चलो सुरजीत आया क्या, क्लियर है क्या, देखो सुरजीत क्लियर है क्या, सुरजीत ये क्लियर है क्या, 17 बोलो। अच्छा ओके, चलो नेक्स्ट, और कौन सा था, 19, 19 Fe2O5 है ना, देख लो 19 Fe2O का होल 5 NO, ठीक है इसके ऊपर चार्ज है +2, देखो ये दे रखा है आपको। सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये उदासीन NO, NO पर चार्ज होता है +1, नाइट्रो सोडियम आयन, याद करो पहला लिगेंड लिखा है तो धनावेश में आपको, तो +1 इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 में कन्वर्ट, यानी ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बची, 1, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +1। ठीक है, तो नाम लिखेंगे तो ये नाइट्रो सोडियम और ये एक्वा, पहले कौन आएगा एक्वा, तो क्या हो गया पेंटा एक्वा, फिर नाइट्रो सोडियम, नाइट्रो सोडियम, फिर ये आयरन, कौन सा आयरन, फर्स्ट, कंप्लीट। चेक करो आगे के समझ में, ये वाला सीधा बता रहा हूँ, नवा नंबर, अब नवे का ही नंबर है, ये क्लियर है क्या, किसने पूछा था 19, अंकुर, अंकुर क्लियर है क्या, ये चेक करो। हाँ ठीक है, 9 नंबर देखो क्या है, 9 नंबर देखते हैं, नाइन नंबर Ag NH3 का होल्ड ड्राइव, ठीक है अगला AgCN का होल्ड ड्राइव। देखो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, इस प्रकार की अगर दो एंटिटी आ जाती है एक साथ, तो दो एंटिटी आने पर क्या करेंगे हम, यहाँ वन वन है ये मानेंगे, यहाँ वन वन होगा तो यहाँ क्या जाएगा, इस पर -1, इस पर क्या जाएगा +1, ये क्लियर हो गया, चार्जेस बैलेंस कर लिए। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ -2 जाता, यहाँ 3 होता तो यहाँ +3 जाता, ये पहले भी करवा चुका हूँ इस तरह का मैं, 2 और 3 वाला एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है दोनों की, Ag Ag कितने हो गए 2x प्लस, उदासीन लिगेंड तो 2 × 0 प्लस, -1 चार्ज तो 2 × -1 इक्वल टू +1 − 1, ये आया चार्जेज, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्जेज आता है उसको RHS में लिख देते हैं, सॉल्व करेंगे 2x − 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू +1, ऑक्सीडेशन स्टेट आई 1। ठीक है, अब नाम लिखेंगे, क्या नाम होगा, देखो नाम होगा यहाँ पर डाई एमीन, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिल्वर, तो चाहो तो आप सिल्वर लिखो और या फिर अर्जेंटम लिखो, जैसी आपकी इच्छा है, तो हम तो लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर और फिर फर्स्ट, फिर क्या लिखेंगे डाई साइनो
डाइसाइनो, इसको अब सिल्वर नहीं लिख सकते क्योंकि क्या लगाना है एट, और एट लगाना है तो लेटिन नाम जरूरी है, तो क्या लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट और फर्स्ट ऑक्सीडेशन। चलो चेक करो सिद्रा, चेक करना है क्लियर है क्या। ओके और कोई नंबर, और कोई नंबर जिसका रह गया हो, ऊपर छूट गया हो, जिसने बताया हो लेकिन मैं बताने में भूल गया हूँ नंबर, तो बता दो अभी। और कौन सा बताना है, और कोई, तीन, सोनू मीणा तीन नंबर। चलो देखो तीन नंबर क्या है, CrEni4, चलो तीन नंबर, क्रोमियम I4 ब्रैकेट क्लोज, पर चार्ज है क्या, चार्ज है -1। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी अपन, एक एथिलीन डायमीन क्या है, उदासीन लिगेंड, ठीक है उदासीन लिगेंड है तो प्लस जीरो, और प्लस I4 -1 चार्ज रखता है डायोडो लिगेंड, तो 4 × -1 = -1, x = -1 + 4, x = +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, थर्ड आ गई। अब नाम लिखना है केवल, नाम देखो कैसे, ये तो क्या है एथिलीन डायमीन, ये क्या है आयोडाइडो, पहले कौन आता है, आई पहले आता है कि एथिलीन का ई पहले आता है, ई पहले आता है तो ई पहले आएगा तो क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा आयोडाइडो क्रोमेट, क्रोमेट लगाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर देखो कौन सा चार्ज है -1, पीछे क्या लगेगा 8, तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा आयोडाइडो क्रोमेट थर्ड आयन। क्लियर है क्या सोनू मीणा, सोनू ओके, और कौन सा सर, एक में एमीन तो नहीं है पर एमीन लिखा है, चेक करता हूँ इसमें नंबर 1, ये एमीन नहीं है एथिलीन डायमीन है, कहाँ लिखा है एमीन, देखो एथिलीन डायमीन लिखा है पढ़ो, ट्रिस एथिलीन डायमीन, इट इज द बाइडेंटेट लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, सिद्रा चेक करो वो लिख रहा है ट्रिस एथिलीन डायमीन, मतलब द्विदंतुक लिगेंड है एथिलीन डायमीन जिसके बारे में लिख रखा है, सही है वो। और कोई, और अनदर एग्जाम्पल, कोई और किसी को कोई प्रॉब्लम किसी एग्जाम्पल में, बोलो भाई सर, सबके पीछे आयन लगते हैं क्या, 80 और 20 लगाओगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब लगाना नहीं लगाना आपके हाथ में, मतलब उसका नंबर नहीं कटेगा आयन लगाने नहीं लगाने का, क्लियर। और आप सबको मैं पहले बता चुका हूँ 30 तारीख को संडे है, उस दिन आपका टेस्ट रहेगा इसी IUPAC नोमेनक्लेचर का, 30 नोमेनक्लेचर दूंगा, 30 के 30 के आपको नाम लिखने, 1 घंटा रहेगा आपके लिए केवल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। और बोलो हेलो, हाँ और क्या पूछ रहे हो, सिंपल, हाँ सिंपल ही दूंगा कोई दिक्कत नहीं है सर, तीसरा राइट है या गलत है कॉपी में, तीसरा चेक करता हूँ, एथिलीन डायमीन तीसरा, एथिलीन डायमीन टेट्रा आयोडाइड हो, क्रोमेट टेट लिख रखा है ना, क्रोमेट आएगा इसमें लास्ट में, क्रोमेट टेट लिख रखा है कॉपी में, तो वो क्या आएगा क्रोमेट, क्या आएगा केवल क्रोमेट सर, तीसरा हाँ हो गया। और कोई प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ठीक है, अब आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है चलो
हम वर्नर थ्योरी पढ़ चुके थे, वर्नर थ्योरी के बारे में हमने बात की थी। दो प्रकार की संयोजकता है बताई वर्नर ने, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? जिसमें जो किसके बारे में बताती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? धातु परमाणु। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो किससे संबंधित है? उपसह संयोजन संख्या से संबंधित है। जितनी उपसह संयोजन संख्या आती है उतने ही द्वितीयक संयोजकता आती है। कहने का मतलब धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करता है वही उसकी क्या कहलाती है? द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। ये बॉन्डिंग थी एक प्रकार की, एक कंप्लीट हो गई वर्नर थ्योरी। सेकंड पढ़ेंगे आज हम बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब होता है संयोजकता बंध सिद्धांत। अब देखो भाई, आप लोग 11th पढ़ के आए हो सबके सब, तो संयोजकता बंध सिद्धांत आपने वहां पर भी पढ़ा था बीबीटी। वो बीबीटी अलग थी, ये बीबीटी अलग है। नाम सेम है, उसका जो खोज करता था वो अलग था। ये है गिवन बाय पॉलिंग। वैज्ञानिक का नाम क्या है? पॉलिंग। पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें खोजेंगे, उन सबके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक तो बात करेंगे हम आकार की। आकार क्या हो? शेप और साइज। आकार नहीं, आकृति। आकृति के बारे में बताएगा एक तो ये हमको, एक बताएगा ये हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा किसी कॉम्प्लेक्स का, यानी संकरण के बारे में बताएंगे। दो, और किसके बारे में बताएगा ये? पोलिंग वीबीटी के माध्यम से। और बताएगा ये हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बारे में बताएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीन, और बताएगा हमको ये चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति कैसी है? यौगिक की। चुंबकीय प्रकृति कहने का मतलब अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ये दोनों चीज। ठीक है, और क्या बताएगा ये हमको? और बताएगा ये हमको चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। और क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर? और करेंगे हम EAN, प्रभावी परमाणु क्रमांक। और नंबर 7, और क्या बताएगा? आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक या बाह्य कक्षक संकुल। ये इन 7 चीजों के बारे में व्याख्या करेगा कौन? संयोजकता बंध सिद्धांत। हर एक एग्जांपल के लिए, जितने भी अभी हमने नोमेनक्लेचर करें जितने भी, उन सब के लिए भी बता सकता है। हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे इसको, वीबीटी को, ताकि इजीली समझ में आए। तो ये है 7 चीजें जिसके बारे में व्याख्या करती है कौन? बीबीटी। ठीक है, अब देखो इनको सीखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी, उस ट्रिक से समझाऊंगा मैं आपको। पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे कि बीबीटी को सॉल्व कैसे करते हैं। जब ट्रिक समझ में आ जाएगी, ट्रिक का मतलब क्या होता है? रटना। जैसे हलीना की रफ्ते फरियाद हम रटते थे, ये ट्रिक थी क्योंकि, तो ट्रिक तो क्या करनी पड़ती है? रटनी पड़ती है एक बार, और जब वो अच्छे से रटाई में आ जाती है ना ट्रिक, फिर उससे कोई सा भी क्वेश्चन करो दुनिया का, वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। सोनू मीणा 25 क्या बता रही है? 25वां नंबर का मैंने खान दे दिया, 19 ही एग्जांपल थे इसमें। तो सोनू 25 क्या है? पेज नंबर 25 का क्या करें? अच्छा, बीबीटी स्टार्ट हो रही है 25 पे। मेन पेज नंबर पूछे थे, अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजों की बात करेंगे तो ट्रिक पढ़ेंगे हम सबसे पहले, कि ट्रिक क्या है इनको सोल्व करने की। तो इनको इरेज कर देता हूं मैं, इन 7 चीजों को हम पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे इनकी। देखो सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती है।
एक ट्रिक तो ये है कि जब हम हुंड का नियम पढ़ाए हमने, हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए, तब तक युग्मन नहीं करेंगे। तो यहाँ डी कक्षक की अगर हम बात करें तो डी कक्षक में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 के बाद ही पेयरिंग करेंगे, हमको पता है ये हुंड का नियम है। लेकिन यहाँ पर जब लिगेंड क्या आ जाता है, प्रबल आ जाता है ना, प्रबल लिगेंड आते ही जो ये हुंड का नियम है ये क्या होने लग जाता है, फेल होने लग जाता है और उस दौरान क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, यानी हुंड का नियम क्या हो गया, फेल। कहने का मतलब जब हम डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 5 कक्षक के अंदर, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, चौथा भरा, पांचवा भरा, ये तो है हुंड का नियम। लेकिन अगर इनके साथ अगर कोई लिगेंड जुड़ गया, प्रबल वाला, प्रबल प्रभावी लिगेंड जुड़ गया, तो वो क्या करा देता है, इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहां शिफ्ट होना पड़ जाएगा, यहाँ ये काम होने लग जाता है। कब, जब प्रबल लिगेंड आता है तब। अब कौन प्रबल कौन दुर्बल, कब पेयरिंग करानी है कब पेयरिंग नहीं करानी, इन सबके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। अगर वो ट्रिक याद कर ली आप लोगों ने, और याद मैं करवाऊंगा अभी आप, तो ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को कि कैसे क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यौगिक देखते हैं। कौन सा यौगिक देखते हैं, उपसंयोजक। उपसंयोजक यौगिक का मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट वाली स्पीशीज होती है ना उसी को उपसंयोजक यौगिक कहते हैं, इस तरह का। और इस उपसंयोजक यौगिक के अंदर क्या होता है, एक तो मेटल होता है, एक लिगेंड होता है, ठीक है, एक ज्यादा लिगेंड है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, किसकी ओर फोकस करेंगे, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की। देखो ये है केंद्रीय धातु परमाणु, एम मेटल मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु जो देखा हमने, वो केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास डी कक्षक में या तो वो 3D श्रेणी का होगा, या फिर वो 4D श्रेणी का होगा, या 5D श्रेणी का होगा, अगर हम डी की ही बात कर रहे हैं केवल, तो या तो वो 3D का होगा, या 4D का होगा, या 5D का होगा, 6D का भी हो सकता है, 6D भी लिख लेते हैं, पहले अपूर्ण था आवर्त इसलिए बात नहीं की जाती थी, लेकिन अभी तो बात की जाती है। 4D का हो, 5D का हो, 6D का हो, किसी का भी हो, तो मैंने उसको अलग कैटेगरी दे दी, और 3D का हो तो अलग कैटेगरी दे दी। अगर 4D, 5D, 6D का होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना है, चेंज करना है। अब चेंज नो चेंज कैसे करते हैं वो अभी समझाऊंगा, इसलिए दिक्कत की बात नहीं, बस क्लास अच्छे से देखते रहो, सब एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या करना है, अगर 4D, 5D, 6D का होना केंद्रीय धातु परमाणु, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना है, हमको चेंज करना है, ठीक। लेकिन अगर 3D श्रेणी का हो, अगर 3D श्रेणी का आ जाता है तो हम जाते हैं किसकी ओर, उसकी ऑक्सीकरण अंक की और ऑक्सीकरण अवस्था की। हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स में इस धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अब ऑक्सीकरण अवस्था दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो होगी +3 या +3 से कम, या तो क्या होगी वो +3 या +3 से कम, या होगी वो +3 से ज्यादा। दो बातें निकाली मैंने यहां पर, या तो वो क्या हो +3 हो, या फिर +3 से कम हो, या फिर क्या हो +3 से ज्यादा हो। अगर वो +3 या +3 से ज्यादा है, अगर वो +3 से क्या है ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज। यहां पर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो जाएगा। अगर वो क्या है +3 या +3 से कम है, तो फिर हम जाएंगे किसकी ओर, लिगेंड की। किसकी ओर जाएंगे, लिगेंड की। लिगेंड की मैं कैटेगरी बना रहा हूं दो प्रकार की, कौन कौन से, एक तो है F- Cl- Br- I-, चार तो ये ले लिया हमने हेलोजन, एक OH- H2O एक्वा लिगेंड, ठीक है, एक ऑक्सैलेटो।